उत्तर प्रदेश के दो शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जिसमें एक शिक्षक फतेहपुर की हैं, अस्थि स्कूल की शिक्षिका हैं आसिया मैडम, जो हमारे साथ मौजूद है। और देख सकते हैं आप, स्कूल में बच्चों के साथ काफ़ी घिली मिली रहती हैं, और इसी वजह से इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक है। प्राइमरी स्कूल में ये कॉन्वेंट की शिक्षा देती हैं, बच्चों को इंग्लिश से रूबरू कराती हैं, उसके अलावा कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अन्य प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आपको इस अस्थि स्कूल में मिलेगी। आप देख सकते हैं स्कूल की अगर बात कर ले डेकोरेशन की, और जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं, बाकायदा स्कूल बाकायदा डेकोरेट किया गया है, और बहुत हद तक इसके लिए ये जो मैडम है ये इनका पूरा वो जोर रहता है। बताते हैं कि ये अपनी सैलरी तक से कुछ पैसा इस स्कूल के मरम्मत में और बच्चों की सुविधाओं में खर्च करती है। हमारे साथ मौजूद हैं आशिया, आइए इन्हीं से जानते हैं कि राष्ट्रपति पदक के लिए जो है नामित हुई है, सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है? थैंक यू सो मच सर, और बता नहीं सकती कि कैसा महसूस हो रहा है। इस विद्यालय को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में हमारे चार पिलरों ने हमारा सहयोग किया है। सबसे पहले हमारे बच्चे, उसके बाद हमारी रसोईया, हमारे वॉलेंटियर और हम। इन चारों लोगों ने मिलकर इतनी ज़्यादा मेहनत करी कि आज विद्यालय यहाँ इस शिखर पे पहुँचा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जब हम 2016 में सफ़र शुरू कर रहे थे अपने विद्यालय का, कि एक दिन ये दिन भी आएगा और इतनी जल्दी आएगा। तो कहते हैं ना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, कर्म करो तो फल मिलता है। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आप नामित हुई, प्रदेश के दो शिक्षक हैं उसमें आप भी फतेहपुर से। कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको लोगों से अलग करती है? हमारे बच्चे, हमारे नवाचार, हमारी गतिविधियाँ, हमारे विद्यालय का डिसिप्लिन, हमारे विद्यालय की हर एक वो गतिविधि जो हम बच्चों के साथ करते हैं, अपने समुदाय को जोड़ करके करते हैं। हम किस तरीके से स्कूल में बच्चे का सुबह मॉर्निंग असेंबली से ही हम जिस एनर्जेटिक तरीके से बच्चों को पंक्तिबद्ध खड़ा करके स्वर में स्वर मिला के शुद्ध उच्चारण के साथ बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, प्रार्थना के बाद विभिन्न गतिविधियों से उनको जोड़ते हैं, क्लास में उनको स्किल डेवलपमेंट पे जोर देते हुए उनको इनोवेटिव टीचिंग आते हैं। जिस बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो बच्चा ड्राइंग में इंटरेस्ट है उसको उस तरीके से पढ़ाना है, कुछ बच्चे होते हैं जो एक्टिंग में होते हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें हम अपने स्कूल में कर रहे हैं। बहुत तरीके का नवाचार है, हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे यहाँ ग्रीन आर्मी है, बच्चों की आर्मी है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करती है। समुदाय में पर्यावरण कैसे, प्लास्टिक को बंद करना है, कैसे ज्यादा हरियाली लानी है, तो ये ग्रीन स्कूल मुहिम का एक सपना देखा था मैंने काफी साल पहले, तो वो साकार हो चुका है। हमारा विद्यालय इस टाइम पर पूरा ग्रीन हो चुका है और इसमें हमारे बच्चों की मेहनत है। मैडम क्या पढ़ाती हैं और क्या अच्छा लगता है मैडम की पढ़ाई में आपको सबसे ज्यादा? मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं, इंग्लिश पढ़ना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और टीवी में हम लोग को मैम बहुत सारी चीज़ें भी दिखाती है, और हम लोग लाइब्रेरी में बुके पढ़ते हैं, और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। क्या नाम है पपेट से हम लोगों को पढ़ाई होती है, पपेट से भी पढ़ाई होती है। क्या नाम है आपका? सारा सिद्दीका। अच्छा, क्या क्या पढ़ाती हैं मैडम आपको, क्या अच्छा लगता है पढ़ाती हैं? सर मुझे मैथ। और क्या पढ़ाती है मैडम, क्या क्या प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल होता है? प्रोजेक्टर और सोलर सिस्टम हर चीजों से मतलब होता है। आशिया मैडम कैसा पढ़ाती हैं? मैम हमारी बहुत अच्छा, और बच्चों को एक्टिविटी करवाती हैं। कैसी एक्टिविटी होती है? एक्टिविटी में डांस होता है, और मैम पढ़ाई वाली एक्टिविटी करवाती हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये सब भी सिखाती हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रजिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जब आए यहाँ पे तो देखे तो हमने ऐसा कभी देखा नहीं है, सच बता रहे हैं। हमने कॉन्वेंट के अलावा और कभी कहीं भी मतलब सरकारी भी जो है बेसिक में हमने कहीं नहीं देखा। आने के बाद हम तो इतना इम्प्रेस हुए कि हमें लगा कि क्या ही करें। उसके बाद फिर मैम का हर तरीके से मतलब छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना, हर चीज़ को ये देखती हैं, बच्चों से लेकर के प्रार्थना सभा से लेकर के क्लास को कैसे करना है, एक्टिविटी कैसे करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैम सुबह जब से एंटर करती हैं कि क्या आज क्या नया हो जाए, TLM वर्क करती हैं कि आज आप पढ़ाएंगी तो TLM के थ्रू पढ़ाई होगी, बच्चे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। वो बस उनका यही मोटो रहता है कि बच्चों को हम किस तरह जॉयफुल तरीके से या TLM के माध्यम से इजीली बच्चे उसको ग्रेस्प कर पाएं, अच्छे से सीख लें। तो आप दूसरी जगह से आई तो वहाँ के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में क्या अंतर आपको समझ? सर मैं एक तो ग्रामीण क्षेत्र से आई हूँ और ये शहरी क्षेत्र है, सर थोड़ा बहुत तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अंतर होता है।